बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। भक्ति उपासना चैनल के सभी भक्तों को कैलाश पंडित का नमस्कार। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने के लिए यहां प्रस्तुत हुए हैं कार्तिक महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा, और ये कथा है भक्तों जलंधर और शुक्राचार्य का संवाद। तो आइए आरंभ करते हैं, स्नेह के साथ बोलिए, बोले विष्णु भगवान की जय। सूत जी आगे सुनाते हैं, एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे। उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरुजी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए, और सागर पुत्र ने नम्रता से उनसे एक प्रश्न किया, हे गुरुदेव, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाने की कृपा करें। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए, उसने बड़ा क्रोध किया, फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था, वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा। उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हर लिए हैं, उनका हरण किया है। मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कहकर सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके साथ पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों के साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधियां लाकर मृतकों को जिलाने लगे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा,
मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हैं गुरुदेव? जिलाने वाली औषधि तो सब आपके पास है, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात बताई। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने उसको क्रोधित होते हुए देखकर कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। ये तो भगवान शंकर का तेज उसके अंदर था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले कृष्ण जी महाराज की जय। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहां पर कार्तिक महात्म के 11वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। आइए स्नेह और श्रद्धा के साथ भगवान का गुणगान करते हैं और मेरे साथ जोर से बोलते हैं, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले लक्ष्मीपति नारायण की जय।